जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। पंजाब में इन दिनों एक बड़ी गर्मा गर्म चर्चा छिड़ी हुई है। आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शादी पार्टी में पंजाबी सभ्याचार के नाम पे लड़कियों को नचाया जा रहा। तो एक सो कॉल्ड पंजाबी सभ्याचारी डांसर नर्तकी, उसको कुछ गेस्ट ने बोला कि तू स्टेज से आके नीचे आके नाच हमारे साथ, शराबियों ने बोला, तो उसने मना कर दिया। तो फिर उन शराबियों ने बोला कि जे तू नहीं निथल ले आना तो फिर स्टेज तो हट, स्टेज से बाहर जाओ, दफा हो जाओ, ये वो शराबी जैसा करते हैं। तो वो नर्तकी का जो है पारा सातवें आसमान पे चढ़ गया और नर्तकी जो है वो उन शराबियों को गालियां गोलियां देने लगी, माँ बहन की गंदी गंदी। और उसके बाद फिर शराबी जो है वो भी, उनका भी पौरुष शौर्य जाग गया, उन्होंने भी जो है हथियार निकाल लिए। अब हथियार शराबियों के पास क्या हथियार होता है, वहाँ वो कौन सा एटम बम लेके बैठे थे, तो उनके शराबी के हाथ तो एक ही हथियार होता है जी, शराब का गिलास होता है या बोतल होती है, और क्या करेगा शराबी। तो एक शराबी ने, वो शराब भरा हुआ गिलास था उसके हाथ में, वो गिलास उस नर्तकी को फेंक के मारा। तब तक डीजे वाले, उसको डीजे वाले बोलते हैं जो लोग इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको बोलते हैं ये डीजे वाले। पंजाब में बकायदा डीजे एसोसिएशन है। तब तक वो आ गया मैनेजर मालिक जो भी था डीजे वाला, फिर वो उस लड़की को समझा बुझा के ले गया कि पंगे नाल है, पर तब तक तो पंगा हो चुका था। क्यों भैया, आजकल हर एक बात ध्यान रखो, आजकल आपकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है और पब्लिक ने टीवी देखना छोड़ दिया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि दे वांट समथिंग फॉर कंजम्पशन, और आजकल रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। मेट्रो में बैठ के लड़कियां रील्स बना रही हैं, ट्रेनों में नाच रही हैं नर्तकियां, आधे कपड़े उतार के नाच रही हैं, धीरे धीरे कपड़े कम होते जा रहे हैं, पूरे कपड़े उतर रहे हैं। तो सब वो वीडियो बन गई, वो बननी थी स्वाभाविक है। और वैसे भी आजकल तो पंजाबी सभ्याचार के नाम पे जब जो डांस होता है उसकी तो वैसे ही रिकॉर्डिंग होती है। नर्तकियां खुद अपने वीडियो बनाती हैं, इंस्टाग्राम रीले भरे पड़ी है। तो जी फिर गाली गलौज हुआ खूब कायदे से, और शराबियों का भी, चूंकि उनका भी पौरुष जाग गया था, उनके अंदर का शौर्य ठाठे मार रहा था। अब वैसे ये अगर देखा जाए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है। हिंदुस्तान की शायद ही कोई बारात ऐसी होगी जिसमें ऐसी छोटी मोटी घटनाएं ना होती हो, पर चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई थी और वायरल हो गई वो पंजाब में क्या पूरे इंडिया में वायरल हो गई, तो ऐसे में अब तो एक्शन तो बनता है। फिर हमारे यहाँ आजकल एक और संस्था जागृत हुई है जिसका नाम है विमेंस कमीशन, महिला आयोग। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया, हो ये तो महिलाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो गया भाई, तो उन्होंने भी स्वतः संज्ञान ले लिया। तब तक उस लड़की को भी अब पता नहीं क्या हुआ, पब्लिसिटी मिल गई या क्या हुआ, मतलब कुछ भी हुआ वो बात थाने पहुंच गई जी। थाने पहुंच गई तो उस छोरी ने एफआईआर कर दी। तो वो जो गिलास मारने वाले भाई साहब थे वो पाए गए वहीं लुधियाना की बात है, ये लुधियाना के किसी मैरिज हॉल में ये कार्यक्रम चल रहा था विवाह का। तो वहां पे जो है वो भाई साहब जो है पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल थे मिस्टर जगरूप सिंह,
तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। एक महिला की ऊपर हमला करने, उनसे गाली गलौज या जो भी करने, और महिला की मॉडेस्टी को पे हाथ डालने, आई मीन उसको उसकी इज्जत या उसकी जो भी था वो होते। तो ऐसी दो तीन धाराओं में उन श्रीमान जी लोगों पे, चार लोगों पे केस हुआ है, जिसमें से कल तक की रिपोर्ट ये थे कि वो जो हेड कांस्टेबल था उसको अरेस्ट कर लिया, बाकी तीन भी आ जाएंगे। कोई इतना बड़ा कोई केस तो है नहीं, कोई मर्डर तो हुआ नहीं। अब सब बहस ये छिड़ी कि DJ वालों ने ये बोलना शुरू किया कि नहीं, गेस्ट की कोई गलती नहीं है, गलती साढ़ी कुड़ी दिया, कि यदि उन्होंने बोल भी दिया था कि आके हमारे साथ डांस कर ले, और उन्होंने बोल दिया था कि तू स्टेज से हट, या तो नीचे आके डांस कर, नहीं तो तू स्टेज से चल यहां पे, तो तू आ जाती, तेरे को क्या जरूरत थी बहस करने की। वैसे बात सही है भाई, गेस्ट कह रहे हैं आपको स्टेज पे नहीं नाचना, तो आप चली जाओ स्टेज, छोड़ दो अपने जो ऑर्गेनाइजर है आपका, जो आपका एम्प्लॉयर है DJ वाला जो है, वो निपट लेगा अपने क्लाइंट से। खैर साहब, ये लड़की भी जो है, इसका भी जो है, इसके अंदर भी वुमेन्स लिबरेशन, नारीवाद जागा हुआ था। इसने भी जो है माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी वहां। फिर बाद में एक DJ वाले माफी मांगने लग गए, क्योंकि DJ वालों को तो एक बात समझ में आ रही थी ना, अरे भैया इन लोगों से पैसे लेने हैं, जिनके लिए लड़कियां नचा रहे थे उनसे तो अल्टीमेटली तो पैसे लेने हैं ना। तो उन्होंने कहा साड़ी पेमेंट मर्जनी, तू इतना लड़ रही है। फिर एक बात ये भी आई कि कुड़ी ने शराब पीती हुई थी, शराब पी के गालियां दे रही थी। कुड़ी कहती नहीं, मैंने शराब नहीं पी थी। खैर जो भी था, तब ये एक कंट्रोवर्सी पंजाब में चल रही है, उस पे अब सब लोग जो है वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। तो एक कोई महिला लोक गायिका है, उनका मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो कहती पहले तो ये बताओ कि तुम ये जो लड़कियां नचा रहे हो शादियों में, इसको पंजाबी सभ्याचार का नाम दे रहे हो, तो ये बताइए कि इसमें सभ्याचार क्या है? जिन गानों पे वो लड़कियां डांस कर रही हैं, और जो उनका डांस है, अगर कमर मटकाने को, ठमके लगाने को और अपने वक्ष हिलाने को ही डांस कहा जाता है, और आंखों से, चेहरे से गंदे गंदे इशारे करना, अश्लील, मतलब कामुकता के स्टेप्स, करके कामुक डांस करके सामने हॉल में शराब पी रहे दर्शकों को रिझाना, ये सभ्याचार, इसको आप लोगों ने नाम दिया है। अच्छा, और नाउ दिस इज अ बिग बिजनेस इन पंजाब। आज की तारीख में आप पंजाब के किसी भी वैवाहिक फंक्शन में चले जाइए, तो अब तो विवाह जो है वो पहले तो गर्व के लोग ऑर्गेनाइज कर लेते थे ना, पर अब तो वो इवेंट है, शादियां अब इवेंट बन गई हैं, और उसको अरेंज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज आ गई, और वो नित नए 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 पैकेज ला रही हैं। और अच्छा, मैंने कई लोगों से पूछा, कि मैंने कहा तुम लोग अपनी शादियों में ये इस प्रकार के जो चोचले करते हो, या जो नए नए इवेंट, नए आइटम, वो वरमाला डालने के नए तरीके, नए चोचले, नए आइटम में, स्टेज, अब तो बकायदा स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है। अभी रिसेंटली मेरे ही एक परिवार में एक मैरिज हुई, हालांकि मैं उसमें नहीं गया, मैं वो उसमें स्पेशली इसलिए नहीं गया कि उसकी जो प्लानिंग हो रही थी उसमें लड़की वाले जो है, लड़के वालों का परिवार बाकायदा एक कोरियोग्राफर अपॉइंट करके उनको नाचना सिखा रहा था, कि लड़के वाले जो है, लड़के वाले का परिवार, उसकी जो लड़के लड़कियां हैं उस परिवार की, वह एक डांस आइटम पेश करेंगे स्टेज पे। तो अब चूंकि वो लोग पेश करेंगे तो हमको भी पेश करना है, इसलिए आप लोग भी जो है
डांस तैयार कर लो अपना, स्टेप ऐसे ना ऐसे ऐसे कर लो तो उसमें स्टेप आ जाते हैं। तो जब वो प्लानिंग मेरे दिमाग में मेरे आई ना कि अच्छा वहाँ तो नाचने की तैयारियाँ चल रही हैं, तो फिर मैंने शुद्ध भोजपुरी में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, अपनी भड़ास निकाली। और फिर हमने कहा कि इतने घटिया गंदे कार्यक्रम में हम नहीं जाऊंगा, हम नहीं गया। वो एक और मैंने रील देखी, उसमें वो पता नहीं कोई क्रेन थी, क्रेन के ऊपर वो गोल सा एक उन्होंने जाली बना रखी थी, उसमें लड़के लड़की को बिठा रखा था और वो क्रेन बहुत ऊपर ले गए, फिर वो पता नहीं कहाँ मेल फंक्शन हुआ और वो जाली पलट गई और वो लड़के लड़की जो है वर वधु जो है 20 फुट ऊपर से गिर गए स्टेज पे। एक और मैंने देखा था, मेरे एक शिष्य का विवाह था तो वहां पे मुझे जाना पड़ा था, ऐसे करीब 5-7 साल 8 साल पुरानी बात है। तो उसमें मैंने देखा कि वो जेसीबी टाइप कुछ जुगाड़ बना रखा था कि जेसीबी के उसमें वो जो उनका जो होता है ना आगे खोदने वाला तवा, शायद उसमें लड़के इस कुछ ऐसा था, मैं भूल गया हूँ, जेसीबी में उठा रखा था लड़के लड़की दोनों को, वहां पे वरमाला डल रही थी ऊपर। तो मैंने कहा यार तमाशा बना दिया आप लोगों ने हमारे संस्कारों का। भैया ये विवाह जो है ना हमारे 16 संस्कार हैं, जो जो कि गर्भाधान से शुरू होकर बच्चा जब गर्भ में आता है वहां से उसके संस्कार, उनको 16 संस्कारों का नाम दिया गया है। 16 संस्कार होते हैं और गर्भाधान गर्भ धारण करने से लेके बच्चे के संस्कार शुरू हो जाते हैं और फिर अंत में अंत्येष्टि तक 16 संस्कार हैं, उनमें एक विवाह संस्कार है। और इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उस वक्त जो मंत्र पढ़े जाते हैं हर संस्कार पे वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वो पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो 16 संस्कार हमारे जीवन को पूरी तरह रेगुलेट करने वाले वो 16 संस्कार हैं, क्योंकि हमको दिशा देते हैं कि हमको मनुष्य का जीवन ऐसे बिताना है। अगर आप इन 16 संस्कारों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल पे अमेज़न पे महर्षि दयानंद रचित संस्कार विधि नामक एक बुक है, वो पतली भी आती है मोटी भी आती है। जो मोटी वाली संस्कार विधि है उसमें हर एक मंत्र का की व्याख्या है कि ये मंत्र क्यों, शादी में जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें, या आजकल तो सब मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं ना, पुराने जमाने में वर और वधु पढ़ा करते थे। और मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, जब मेरा विवाह होने वाला था तो मैंने अपनी पत्नी को संस्कार विधि ला के दी थी शादी से पहले। मैंने कहा था कि इसमें जो विवाह संस्कार है इसके जो मंत्र हैं इनको पढ़ो और उनका अर्थ समझो, और जो मंत्र उसमें कुछ मंत्र हैं जो वधू बोलती है, तो मैंने कहा वो तुमने क्या मंत्र बोल रहे हैं जरा इनको पढ़ो, इनका अर्थ समझो कि व्हाई आर यू मैरिंग मी। और आई एम प्राउड टू से दैट मेरी वाइफ ने वो 6 महीना वो संस्कार विधि पढ़ी थी। और जब मेरा विवाह हुआ तो एक तो मेरे विवाह में कोई आडंबर नहीं हुआ था, 650 रुपये में हुई थी शादी 1989 में। तो जो हमारे पुरोहित थे उनको हमने पहले बता दिया था जी वर और वधु के मंत्र हम स्वयं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे हमारे लिए। कई बार क्या होता है कि वो पंडित जी बोलते हैं और लड़का लड़की उसको रिपीट करते हैं, मैंने कहा नहीं जी आपको रिपीट आपको बोलने की जरूरत नहीं, हम स्वयं पढ़ेंगे वो मंत्र, हमने पढ़े थे। तो विवाह एक संस्कार है, इसको आप लोगों ने तमाशा बना दिया है। और आजकल तो मतलब मुजरा हो रहा है विवाह में। खैर तो अपनी अपनी मर्जी है जो भी है। तो साहब पंजाबी सभ्याचार, तो उस महिला ने वो जो लोक गायिका थी पंजाब की कोई सीनियर है, उन्होंने कहा इसमें सभ्याचार क्या है, और क्या ये जिन गानों पे आप डांस करा रहे हैं उन लड़कियों को, इनको तो लड़की तो मैं तो लड़की कहता ही नहीं, वो तो नर्तकियां हैं, डांसर्स नाम शब्द है डांस। मैं तो पहले भी एक बार वो सपना चौधरी का जब जिक्र आया था हरियाणा में, तो
तो मैंने कहा यार इतना गंदा, इतना फूहड़, इतना अश्लील नृत्य। और मैंने कहा उस लड़की, वो जो सपना चौधरी है, उसको वो एक ही स्टेप आता है जिसमें वो एक गंदा घटिया अश्लील कामुक सा स्टेप करती है। और मैंने कहा और हरियाणा का पूरा समाज बैठ के वहां देखता है। वैसे तो तुम इतनी संस्कार की बातें करते हो, पर जब सपना चौधरी नाच रही होती है तो कुछ लोग स्टेज पे बैठे होते हैं, कुछ सौदे सामने बैठे होते हैं साथ में, और भीड़ में अगर आप देखें तो बूढ़े जवान लड़के लड़कियां बहुएं उनकी सासें सब आई होती है। कितना हमारा एंटरटेनमेंट का लेवल कितना घटिया हो गया यार। फिर इनको डांसर बोलते हो, नृत्य यही होता है। मैंने एक पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, मैंने भैया मैंने तो नृत्य के नाम पे बिरजू महाराज का देखा है कथक, मैंने तो केलुचरण महापात्रा जी की ओडिसी देखी है, 3-3 घंटे की उनकी परफॉर्मेंस होती थी बनारस के संकट मोचन फेस्टिवल में, वो आया करते थे। अब तो नहीं रहे, उनकी बेटी और बहू, उनका बेटा और बहू, उनकी मैंने एक नृत्य नाटिका देखी थी जिसमें वो प्रसंग है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में भगवान राम का संदेश लेके जाते हैं और वो मुद्रिका जो माँ को भेंट करते हैं हनुमान जी, वो 3 घंटे का प्रकरण है। वो नृत्य होता क्या है, आप ओडिसी नृत्य देखिए, आपको समझ में आएगा कि नृत्य कला है क्या। खैर साहब, तो इन लोगों ने उसको, इन लोगों को, ये भी डांसर हैं। अच्छा, उसके बाद फिर चूंकि वो मामला वायरल हो गया तो उस लड़की की सॉब स्टोरीज आने लग गई। पहले तो वो ये सफाइयां देती फिरते कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी। खैर चलो, अब तो सब शराब पीना नॉर्मल, नॉर्मलाइज कर दिया लोगों ने, समाज में शराब को नॉर्मलाइज किया गया है। इस पे भी मैं अलग से टिप्पणी करूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला था मैं तो बहुत गरीब परिवार की थी और ये और वो, मेरे पापा तो आज भी मेरी इस कमाई को हाथ नहीं लगाते। वो बहुत अपनी गरीबी का रोना रो रही थी। फिर मैंने देखा और मैंने तो खुद महसूस किया है कि पंजाब में हजारों हजारों डीजे, इसको डीजे बोलते हैं डिस्क जॉकी, हालांकि डीजे तो वो व्यक्ति होता है जो कि क्लबों में गाने बजाता है, गाना प्रस्तुत करता है, गाने का कार्य, जो एल्बम्स होती हैं उसमें से गाने छांट छांट के लोगों के लिए बजाता है और लोग सुनते हैं, डिस्क जॉकी बोलते हैं उसको। वो डिस्क, पहले वो जो गोल डिस्क होती थी उस पर गाना बजता था, शायद वहां से आया होगा ये वर्ड। तो डीजे एसोसिएशन बनी हुई है और हर शहर में 2-4-10 ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लड़कियों को नचाते हैं, लड़कियों को अपॉइंट करते हैं, और यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है पंजाब में। और पंजाब की कोई शादी जो है इन नाचने वालियों के नृत्य के बिना पूरी नहीं होती। और इसको ये लोगों ने नाम दे दिया है पंजाबी सभ्याचार। मतलब अच्छा, 1 मिनट, लड़कियों को शादी में इस तरीके से नचाना ये पंजाबी सभ्याचार है? ये पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए। और जो लोग अपने आप को ना वखरी कौम वाले, जितना वो जो गैंग है, ऐसी तो वखरी कौम है, साडी शान निराली है, अरे तुम अपनी लड़कियां नचा रहे हो। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं बिहार में भी तो नचाते हैं, बंगाल में भी तो। अब भैया बिहार में कोई लड़की जो नाचने वाली है वो बिहारी नहीं है, अपनी लड़कियों को नहीं नचाते बिहारी भी। और बिहार में और यूपी में शादियों में लड़की नचाने का, इसको लड़की नहीं बोलते हमारे यहाँ, एक तो जो यूपी में जो टर्म है इनके लिए वो आर है, आर नाच रही हैं, उन्होंने उसको थोड़ा सा, जो जैसे आप लोग सभ्याचार बोलते हैं उन्होंने ऑर्केस्ट्रा नाम दिया है। पर यूपी के इस आर नचाने में एक भी आर जो है वो यूपी की लोकल नहीं होती, मिलती ही नहीं कभी कोई, ऐसा हमने आज तक नहीं सुना। या कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनकी लड़कियां ये काम करती हैं, तो इसको समाज में बहुत 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 बुरा माना जाता है। और कहीं हजारों लाखों में कोई एक शादी होगी जहां ये इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं स्टेज पे, स्टेज लगा के। परंतु यहां तो
कोई शादी इसके बिना पूरी नहीं होती। इसका मतलब देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स इनटू दिस बिजनेस। अच्छा, ये बिजनेस कौन करा रहा है? आप ही लोग तो करा रहे हैं ना। ये डीजे वाले कहीं बाहर से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं? नहीं जी, वो भी पंजाबी हैं, नाचने वालियां भी पंजाबी हैं, उनका डांस देखने वाले भी पंजाबी हैं। हाँ? वैसे तो बहुत बड़े बड़े अपने शौर्य की गाथाएं गाते हैं और अपनी बेटियों को नचा रहे हैं स्टेज पे, उनकी कमाई से घर चल रहे हैं, बढ़के चाहे जितनी मरवा लो इनसे। तो सब वो, अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि एक हेड कांस्टेबल साहब अरेस्ट हो गए हैं। अच्छा, उनका भी पौरुष क्या जागा, उन्होंने क्या मारा जी फेंक के उस लड़की को, दारू का गिलास। ओहो, कितना बड़ा हथियार है भाई, इतना बड़ा वेपन चला दिया, पूरा पंजाब हिल गया दारू से। वो एक एक वो था वो यूट्यूब चैनल, वो कहता दारू फेंक कर मारी, दारू से हमला कर दिया लड़की पर, और महिला आयोग उस लड़की के बचाव में कूद पड़ा है कि साडी कुड़ी नच रही सी, तुसी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कीती ओदी, उन्हों भी डिग्निटी का हक है, ओदी भी इज्जत हैगी है, तुसी उन्हों कितना कहता कि आके साडे नाल थल्ले आके नच, वो स्टेज ते ही नचूगी। पे समाज को विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये रंगारंग सभ्याचार, पंजाबी सभ्याचार के नाम पे ये गंदा अश्लील फूहड़ डांस हमारे शादियों का अभिन्न अंग कैसे बन गया, और जो समाज के ठेकेदार हैं, जो पल पल में फतवे घोषित कर देते हैं, पल पल में जो है डिक्टेट्स निकाल देते हैं, छोटी छोटी बातों पे तलब कर लेते हैं समाज के लोगों को, फोन आ जाते हैं, घरों पे आ जाती है मोरल मोरल पुलिसिंग, ओ भाई तुम्हारी लड़कियों को लोग नचा रहे हैं ये डीजे वाले, समाज के ठेकेदारों ने इन डीजे वालों को कितने फतवे जारी किए, कितनी बार तलब किया अपने दरबार में कि आओ भाई हमारी बेटियों को नचा रहे हो। और इस पे अगर आवाज, अच्छा आज पंजाब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि ऐसी किसी सामाजिक विषय पे ऐसे कोई मुंह नहीं खोलता, इतना डर है लोगों में। पंजाब की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज पंजाब का समाज वाकई डर में जीता है, लोग बोलने से डरते हैं। वो सानू की मतलब असी क्यों पंगा लीए, जो चल रहा है चलने दो। तो अब आज इस घटना को शायद चौथा पांचवा दिन हो गए, एक या दो बंदे अरेस्ट हो गए हैं, दो और आने वाले हैं। बहस इस बात पे नहीं हो रही है कि वो लड़की स्टेज पे क्यों नाच रही थी, हमारे घरों की बच्चियां बेटियां पैसा कमाने के लिए। क्या वाकई समाज में पैसा कमाने के अन्य सभी रास्ते बंद हो चुके हैं कि ये डीजे वाले हमारी बेटियों को नचा रहे हैं स्टेज पे, और वो नाच रही हैं, उनके घर वाले उस कमाई को खा रहे हैं, उसके बल पे ऐश कर रहे हैं, और देखने वाला एक बहुत बड़ा समाज है जो उन लड़कियों को बोल रहा है कि आ हमारे साथ नाच, स्टेज के नीचे आके नाच, और वो नहीं आती है तो फिर उस पे शराब से हमला कर देते हैं। जैसे एक नई मिसाल कायम हो गई कि शराब फेंक के मारूंगा मर जाएगा। तो साहब जरा ये इस वीडियो को देखने वाले जरा सोचेंगे कि वो लड़की इसलिए स्टेज पे नाच रही है
क्योंकि मैं और आप देख रहे हैं। कोई खड़ा हो जाता कि नहीं, मेरे बेटे की शादी में ये हमें ये तुम्हारा गंदा अश्लील डांस नहीं चाहिए, वी डोंट वॉन्ट दिस। अगर एक आदमी खड़ा होकर कह देता ना कि नहीं मुझे नहीं नचवानी, तो शायद ये गंदा काम घटिया काम बंद हो जाता। पर नहीं, आजकल हर आदमी के शादी के फंक्शन में वो एक जरूरी चीज है। तो जब आप इतने घटिया स्तर पे इतना नीचे गिरेंगे तो आपके समाज की बेटियां नाचेंगी और कल को उन नाचने वालियों में आपकी बेटी भी हो सकती है। वो जो था ना कह रहा था मेरे साथ नाचो, मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि कल को उसकी बेटी भी इसी तरह किसी पंजाबी सभ्याचार ग्रुप में नाचती हुई दिखाई दे, क्योंकि आखिर इस सिस्टम का पोषक तो वही है ना, वही व्यक्ति है ना भाई। जिस चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई भी होगी। तो यदि आज हर शादी की डिमांड नाचने वाली लड़कियां हैं तो समाज में नाचने वाली लड़कियां भी पैदा होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां नाचने वालियां न बने तो वो नाच देखना बंद करना पड़ेगा। किसी भी चीज का प्रोडक्शन तब बंद होता है जब उसकी डिमांड बंद होती है। पहले डिमांड बंद कीजिए, सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। तो भैया ये डांस देखने वालों, तुमको बंद करना होगा, तब तुम्हारी बेटियां स्टेज पे नाचना बंद करेंगी। जब तक तुम डांस देखोगे तुम्हारी ही बेटियां नाचेंगी। मैं तो कहता हूं पंजाबी डांस देख रहे थे और पंजाब की बेटियां नाच रही थी। पंजाबी अपनी बेटियों को स्टेज पे नचा रहे थे। मेरी बात आपको कड़वी तो लगेगी पर साहब कड़वी सच्चाई तो यही है। हमारे तो चैनल का नाम ही है बाबा की खरी खोटी। तो साहब ऐसी ही खरी खोटी सुनते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।